Zeit. Zeit. कितना इक्विपमेंट टोटल वेट ऑफ इक्विपमेंट टोटल रासिंग लोड ओके हाउ टू हायर अ म्यूल हाउ टू हायर अ पोर्टर्स वेयर टू टेक अ परमिशन यू विल ऑन एक्सपीडिशन प्लानिंग द ऑफिसर्स विल कवर यू एवरीथिंग ये पूरा कवर होगा आपका तो उसी हिसाब से आपने एडवांस प्रोसेस में भी एक्टिव रहना है क्योंकि यहाँ का बड़ी बनाई खाना मिल रहा है जब एक्सपीडिशन में जाओगे वही बोर्ड होते दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर आप लोग एक दिन खाना बनाते समय कितना तंग होता है या कितना अच्छा लगता है और कितना और जो भी कैश एंड वैल्यूएबल्स है तो कैश एंड वैल्यूएबल्स आप लोगों ने जमा करना है टू द अकाउंट सेक्शन में यदि आप पासपोर्ट एनी काइंड ऑफ मनी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी जो भी है वैल्यूएबल्स है वो जमा करना है और अपना हॉस्टल का थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रखना है ओके क्लीन इन्वायरमेंट हाइजीन अच्छा होना चाहिए सबका वही स्टिंकिंग सॉक्स है ना वो वॉश कीजिए अगर बदबू आ रहा है तो वॉश करके आप बाहर या पीछे भी है तार लगा हुआ वहाँ लगा दीजिए वो सूख रहा है हवा से इतना ठंडा करे क्लियर है तो अपना ग्रूमिंग करना है रूम्स का प्लस डिवाइड ड्यूटीज टुडे योर ड्यूटी टुमारो योर ड्यूटी तो क्लीन योर और हॉस्टल रूम और इवन द टेंट्स जो टेंट्स में भी हम एकोमोडेट करेंगे तो उसका भी सफाई का ध्यान रखना है इफ यू नॉट क्लीन योर टेंट्स पेट दर्द होना ये सब फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसलिए अपना जहाँ रहते हो अपना एरिया साफ रखना है क्लियर है और उसके बाद तो उसमें हमारे यहाँ रिजर्वेशन वेरी वेल फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ And those who are coming here for the first time for the advanced course, the training pattern will be somewhat similar. Okay. 7 days we have got rock craft. Thereafter we move to the mountains. Mountains में जाने से पहले आप आओगे यहाँ पे, then you will pack, prepare, and go to the mountains. To one important issue is जब ये equipments मिलेगा आपको. Now what is the importance of that climbing boot, the rucksack? क्रैम्पॉन्स एंड दी एक्सरसाइज बताने की जरूरत है लेकिन फिर भी अमूमन 1.5 साल अब उसमें क्या ठीक है देयर इज अ फीडबैक फ्रॉम व्हिच ऑल ऑफ यू मेड आफ्टर द कोर्स हाउ वाज द कोर्स हाउ वाज द स्टैंडर्ड ऑफ द इक्विपमेंट्स फर्स्टली जितने भी इक्विपमेंट्स है जैसे कोर्स में जो किया होगा देखा होगा जो सारे एक्स इम्पोर्ट है बेसिक कोर्स में योर लाइफ डिपेंड ऑन दैट Clear? This brings me to the point that I am trying to say is कि जो भी आप equipment लो, उसको अच्छी तरह से जांच परख के लेना है। Climbing boot, is it fitting properly or not? ठीक है ना? Then your rucksack, अभी आपके पास 7 दिन है, at the Tekla, ठीक है? So try it out, instead of running around, we'll be doing walking around, trekking. Clear? एंड फ्रॉम द फिजिकल एस्पेक्ट जो है आपके दिलों में सबके सब घोड़े हैं सो रखा है सब में सो एज आई सेड इन द मॉर्निंग वी विल टेक यू एक तरीके से शुरू करेंगे क्लियर एंड वो टू केयर एडम टॉक बाय द एंड ऑफ द कोर्स विल इट यू बी योर इन द एडवांस कोर्स में करते क्या है
expedition planning. Advanced techniques. Expedition planning. The name itself says it is advanced. Advanced of what? Basic. बेसिक कोर्स में जो सिखलाई ली होगी आप लोग ने, ठीक है ना, जो टेक्निक्स सीखे होंगे. Hello, friend. Recording. Oh, shabash, 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 shab
कंपनी है, एक अलग अलग कंपनी के हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ये है पेट जेल का। इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 500 kg ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, लोड लेने की जो इसकी क्षमता है वो कितनी है 500 kg। क्लियर है? अभी इसमें एक क्रॉल चेस्ट, क्रॉल चेस्ट किसने देखा है? ये पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप। ये भी एक टाइप का क्या है, असेंडर है, ठीक है ना। अभी इसका कैसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर बाद में आते हैं। ये आपके चेस्ट में लगता है, ठीक है ना, और ये क्लाइंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली जब आप ओवर हैंग या फिर सीलिंग के ऊपर क्या करते हैं, जॉइनिंग करते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री से ऊपर जब आप जॉइनिंग करते हैं वहाँ पर ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे, अपने पहले तैयार होना है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होना है। आपने हार्नेस कैसे पहनना है, हार्नेस पहनने के बाद आपने हार्नेस को क्या करना है, लॉक करना है, और स्क्रू गेट कैरेबिनर का आपने कोशिश करनी है ऑलवेज, हमेशा स्क्रू गेट कैरेबिनर का आपने क्या करना है, यूज़ करना है, क्लियर है। और जब आप इसमें जुमार डालते हैं, क्लाइंबिंग शुरू करते हैं, जुमारिंग शुरू करते हैं, तो उस ये ध्यान रखना है आपने कि उसका जो लॉक है, गेट है, वो हमेशा आपने क्या करना है, लॉक करना है, भूलना नहीं है उस चीज़ को, क्लियर है। पूछा कि स्टैटिक रोप किसे कहते हैं और डायनेमिक रोप किसे कहते हैं। ये वो दो रोप का नाम मैं ले रहा हूँ जो कि क्लाइंबिंग, जब मैं बोल रहा हूँ क्लाइंबिंग यानी कि माउंटेनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो, चाहे आपका फिक्स रोप क्लाइंबिंग हो, या फिर आपका आइस में जिसे बिले दिया जाता है। यस, नाउ स्टार्ट, नाउ लिसन टू द आंसर, इट कैन कम एज अ क्विज और अ प्रॉपर क्वेश्चन। हाँ, स्टैटिक रोप इज द वन वेयर there is not going to be any dynamic loading. So fixed rope can be considered as static rope because we'll use it for jumbering up in most cases. Dynamic rope jo hota hai wo climbing mein jo rope hum istemal karte hain wo dynamic rope hota hai.
and when a person is being belayed, if he takes a fall, it is not only his weight that is being, you know, stressed on the rope, but his weight into 9.8 grams, 9.8. Okay, correct. Yeah. हाँ जी, डायनेमिक रोप कैसे कहते हो, समझ में आया कैसे को? वाई इलास्टिक, ये तो बेसिक फोर्स वाला जवाब है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई क्लाइंबर लीड कर रहा है, ठीक है ना, रूट ओपन कर रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट वो एंकर डालता हुआ जाता है, टोन डालता है रॉक फेस में, अगर उसमें क्षमता नहीं है तो वो क्या हो गया, एकदम से स्नैप, ठीक है ना। तो सबसे पहले है कि उसके फॉल को अरेस्ट करो, ठीक है ना। और अगर जब वो फॉल होता है तो उसको क्या लगता है, झटका किस माध्यम से लगता है, आपका जो हार्नेस होगा उसमें भी लगेगा, यस और नो, है कि नहीं। तो फॉल ही अगर अरेस्ट करना है तो पहले जो आपको बेसिक तरीका बताया गया है, कौन सा है बेसिक हार्नेस आपका, रोप के द्वारा, वो क्यों नहीं देते हम आपको, हार्नेस क्यों दे रहे कंबाइंड हार्नेस, यानी कि वो जो झटका है उसको कम करने के लिए, यस और नो। तो लेकिन बेसिक चीज़ क्या आपका रोप, तो उसमें क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ओके। लेकिन वो इलास्टिसिटी भी ऐसा नहीं कि जहाँ ऊपर फॉल हो रहा था, ठीक है ना, बीच में अटक रहा था, सीधा नीचे ज़मीन में आके उसका टक्कर हो गया, वो भी गलत है, रबर की तरह अगर तो उसमें देर इज सर्टेन इलास्टिसिटी इन द रोप। एक तो टाइम रेसो जो होता है टाइम भी, तो जो ट्रेनिंग एक सर्कल का होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम 3, अगर आपको सीरियस क्लाइंबिंग करनी है तो 3 मिनट और 1 मिनट सर्कल होना चाहिए, तो फिर प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और सर्कल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता है ना, डांट का भी 3ों को ज़्यादा है तो वो अच्छा होता है। लेकिन अब हम 6 लोग एक रोप में हैं और एक इंस्ट्रक्टर हो गए 7, अगर आपको 100 मीटर जाना है तो जिसका आपको प्रैक्टिस मिलता है, ठीक है जी, आप धन्यवाद, चलिए आप अपने अपने रोप में। हाँ निकाल ले, ये यहाँ पर कौन बैठा था, एक किसके वो है बेटा, ये यहाँ पर बैठा था सर। सर अब क्या करूँ सर, अब वापस सर ऊपर जाओ क्या, ऊपर जाना है, क्या करेगा ऊपर, आप बोलो सर, अब नीचे खोलते हुए जैसे ला रहे, अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे कैरेबिनर डालेंगे, उस कैरेबिनर में उसमें अपना एक इथेरियर और छोटा सेल्फ एंकर, फिर और चीज़ और लास्ट में बिलेरो है ना, ऊपर से लास्ट में निकालनी बिलेरो, चलो हेलो, तेरा हेलमेट कहाँ, रुक जा भाई, हेलमेट क्यों खोला भाई, है ये हेलमेट खोले, किसने बोला, चल भाई पहन, थोड़ा सा लूज कर, हेलो गलती ना करो यार, नो नो ये वाला क्या ना, हर किसी भी सेकंड वाला थोड़ा छोटा और नीचे वाला सब तीनों में बराबर वही टाइम है ना, एक ही साइज है तो सिर्फ ऊपर में आएगा, जो अभी डाल के देखे हैं, देखो
हमने एडजस्ट किया है, किसने डाला है तुम्हारा उठा जा रहा है, अभी इससे आ रहा है सामान, इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे सामान आ रहा है ऊपर सबके पुलिस के कारण, इससे जो है नीचे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, हेलो ये समझा रहा था अभी तक वहीं पहुंचे, जल्दी करो भाई, वो ऊपर तो खड़े नहीं है, सेकंड रंग्स में खड़े होते तो हाथ आराम से पहुंचते, दिमाग तो यूज कर ना, उसके आगे है वो तो, उसी के आगे है वो, अभी देखो दाई तरफ देखो, हेलो पिटन है वहाँ, फिर वैसे ये निकाल के रखने में बिल्कुल क्या, चलो इसको निकाल के यही रखना चाहिए, बिल्कुल आगे डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ चलते हुए पूरा बजता रहेगा, क्या फोटो तो उसको बोलो ना, मैं थोड़ी ना हूँ कैमरा वाले, पुराना है किसी का गिरा हुआ, हाँ सर ये बूदे डाल दें, कितना एम एम का है, 48 एम एम, अच्छा भाई आगे से फोटो खींच रहा हूँ, खाली हो जाएगा सर, बिल्कुल खाली है, रोक देख लो पूरा खाली है।